ऐसे खुला भी अच्छा लगा ना, खुला रहने दे। अब मैं इसको बांध देती हूँ रस्सी से टाइट करके ताकि ये टेढ़ा ना हो। साइकिल को भी झंडा बना दिया। अब बच्चे यहाँ पर को फूल फूल चढ़ाएंगे तो यहाँ पर को अब गाएंगे ये जने गने मरने वाला सॉन्ग। तो चलो सुनाओ, स्टार्ट करो। चलो करो। मने अधिनायक जय हे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अभी प्रियंका ब्लॉग्स में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से और आज है गणतंत्र दिवस। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी वजह से आज मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग भी स्टार्ट किया जाए। तो आजकल चल रही है बच्चों की छुट्टियाँ, तो वरना स्कूल में होते प्रोग्राम वगैरह तो प्रोग्राम वगैरह तो आजकल हो नहीं सकते, तो घर पर हैं सभी बच्चे लोग। तो हम घर पर अपने छत पर करेंगे थोड़ा झंडा वगैरह फहराएंगे मतलब, और दिखाएंगे कि क्या क्या करते हैं करके दिन में। और सबसे पहले हम अभी खाना खा लेते हैं, अभी 10 बज चुका है और मम्मी पापा लोगों ने तो खा लिया है, बच्चों ने भी खा लिया है, अब बचे हैं सिर्फ मैं और मेहता जी। तो हम खाना वगैरह खा लेते हैं तो उसके बाद मिलते हैं। खाना भी यहाँ पर हमने परोस दिया है, खाने में बना रखा हमने आज रोटी और सब्जी, हरी सब्जी है और है बड़ी और भात। तो फटाफट से हम खाना वगैरह निपटा लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी छत पे और पीहू ने पहन रखा है यहाँ पर झंडे की मैचिंग की ड्रेस और अब मैं पहना रही हूँ इसको झंडे की मैचिंग की चूड़ियाँ जो हमने पिछले बार मतलब 15 अगस्त में ली थी हमने। अब थोड़ी टाइट टाइट जैसी हो रही इसके हाथ में लेकिन फिट आ जाएगी ना पीहू, निकालने में भी वैसे ही लगेगी, आ जाएंगी। और मैं लगा रहा हूं। अभी दिखाते हैं आपको पीहू का फुल गेटअप, अभी दुपट्टा पहनना है, ये भी तो है बैंड। साइड वाली पहनाओ ना ऐसे करके, किधर की साइड करेगी। ये रहा पीहू का दुपट्टा, अब इसको हम करेंगे ऐसे साइड में है ना बराबर। हाँ ऐसे, तो इसको ऐसे बगल मैं यहाँ से पिन लगा देती हूँ वरना गिर जाता है। एक और पिन होनी चाहिए, ढीला ढीला करना। अरे ऐसे खुला भी अच्छा लगा ना, अरे खुला रहने दे। खुला रहने दे, ये ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे ठीक होता है, ऐसे ठीक है। चलपी हूँ तो हमारी पूरी रेडी हो चुकी है और यहाँ पर को हमने छत में लगा दिया है खूब बड़ा सा झंडा। तो आज का झंडा रोहन हम अपने घर में ही करेंगे। अब मैं इसको बांध देती हूँ रस्सी से टाइट करके ताकि ये टेढ़ा ना हो। जरा बच्चों की रील्स और ब्लॉग मतलब ब्लॉग तो बना ही रहे हैं, रील्स और फोटो वगैरह भी खींच लेंगे। साइकिल को भी झंडा बना दिया। और आज का मौसम पूरा ब्लू है और आज का मौसम हो रखा है काफी अच्छा, खिली खिली चमचमाती धूप आई है। देखिए और हमने यहाँ पर को झंडा रोहण अपना कर दिया है और अब बच्चे चलाएंगे यहाँ पर झंडे को फूल और उसके बाद यहाँ पर को गाएंगे हम राष्ट्रगान। तो चलिए हम यहाँ पर को शुरू करते हैं। चलो करो। मन अधिनायक जय हे, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, रावण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उछल जल धी तरंगा तब सुमानी जाते वे शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय हे भारत माता जी जय। चलो चलो चले जाओ। तो दोस्तों धूप धूप सेक के और झंडा रोहण भी करा हमने छत में और फोटो रील्स वगैरह भी बनाई। तो अब हम आ गए हैं नीचे कमरे पे और अभी हम चाय पानी पीते हैं। चाय पानी पीने का टाइम हो चुका है और चाय पानी के साथ हमने बना रखी है थोड़े चिप्स बनाए आलू के और थोड़े गोलगप्पे। गोलगप्पे मिले मुझे अभी यहाँ एक डब्बे पर रखे हुए थे तो मैंने सोचा बना देती हूँ। तो अत्तू को बहुत अच्छे लगते हैं और साथ में हमने बना रखा है यहाँ पर को गोलगप्पे का पानी, जलजीरा पानी मतलब। तो अब इसको लग रहा है ये काफी टेस्टी अच्छे अच्छे है ना। देखो आज 26 जनवरी स्पेशल है गोलगप्पे का पानी गोलगप्पे। तब तो इनको हो रही बन गए हैं तो कब खाएं कब खाएं करके हो रही इनको। कैसा हो रहा पियू? पियू ने बहुत मेहनत कर रखी रील बनाने में तो इनको 4 एक्स्ट्रा मिलेंगे ना पियू ना। हमने खाए और अतु ने नहीं बनाई रील तो अतु को मिलेंगे 2 गोलगप्पे। ठीक है दो में खुश नहीं तो मिलते हैं हम आपको चाय पीने के बाद। और पीहू भी रेडी हो चुकी है गोलगप्पे खा के। अब ये जा रही है ट्यूशन को जा फिर। हाँ एक घंटे का है 1 घंटे में आ जाऊंगी। हाँ बाय। तो बता एक या एक एक डेढ़ घंटा जा फिर बाय बाय। पतंग भी लाना बाय। पतंग खा चलाऊंगी मेरे पास बैठी नहीं जब पतंग जब पतंग थोड़ा मिलती हूँ। पतंग चाहिए नहीं दीदी ट्यूशन जा रही है। तो चाय वगैरह भी हमने पी ली है और अब सब चले गए अपने अपने काम में। मेहता जी लोग चले गए हैं दुकान पे। देखती हूँ ये देखो इन लोगों ने नीचे जला दी है आग और हमारे साइड को चले गई है धूप और सामने वाली पहाड़ी में बची हुई है वहाँ को धूप बची हुई है। और धूप अभी आजकल धुंध वाली धूप आई है कोहरा लगा हुआ है थोड़ा बहुत। अब मैं भी अपना काम वगैरह थोड़ा बहुत कर लेती हूँ शाम की साग सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तब तक पीयू भी आ जाएगी ट्यूशन से तो अपना मैं काम वगैरह निपटा लेती हूँ तो उसके। और पीयू भी आ चुकी है ट्यूशन से। तो पीयू ट्यूशन में कैसा रहा आज का दिन कैसा रहा? बढ़िया था बेटा। और साथ में अथू भी सोया हुआ है इसे देख रहा है सो के टीवी क्योंकि इसको लग रही है बहुत ज्यादा ठंडी है ना। और साथ ही मेरी यहाँ पर को हो चुकी है खाने की तैयारी और आज के खाने में बन रहा है हमारे वहाँ मटर पनीर। ये पनीर मैंने कट कर लिया है और इसमें रखा है मैंने मटर बॉईल करने के लिए और साथ में ये प्याज और लहसुन भी छील दिया है और ये है खड़ा मसाला। इसको मैं भी पीसूंगी सिलबट्टी में। तो फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं जाऊँगी छत पर और छत पर जला रहे हैं अभी पापा आग तो मैं फिर बनाऊँगी यहाँ पर चाय। चाय लेके जाऊँगी छत में फिर सभी जने बैठ के वहाँ पर पियेंगे। यहाँ पर क्रो मटर पनीर भी हमारा बन चुका है। ये देखिए मैंने कढ़ाई भर के बना लिया है क्योंकि सब्जी सब ज़्यादा पसंद करते हैं ना। अब इसमें मैं डाल देती हूँ हरा धनिया ये मैं बंद कर देती हूँ इसको। और चाय भी हमारी यहाँ पर को किचन रेडी है। अब मैं जाती हूँ ऊपर। अब मैं चले गई हूँ छत में और छत में लाई थी मैं चाय और सभी जने यहाँ पर को मम्मी पापा लोग पी रहे हैं चाय और साथ में जला रखी है यहाँ पर को आग। और अत्तू भी आया हुआ है और अत्तू चला रहा है उधर साइकिल ये देखो। तो घर से आग सेकने के बाद हम लोग आ चुके हैं नीचे कमरे पे और कमरे पर आने के बाद मैंने बनाई है यहाँ पर सिवई की खीर और सिवई में जो ये काले काले जैसे दिख रहे हैं ना ये सिवई मैंने भून के बना रखी है
क्योंकि ये वाइट वाली सिवई थी। एक तो रेडीमेड आती है जो भुनी हुई होती है, तो मैंने ये वाइट वाली सिवई थी, तो इसको मैंने कढ़ाई में भून के बनाया। और अब मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटी। आटा भी मैंने गूंथ के रख दिया है क्योंकि बच्चों को लग गई है फटाफट भूख, तो अब मैं बनाती हूँ फटाफट खाना। तो दोस्तों खाना वगैरह तो मैंने बना लिया है और खाना भी बच्चों लोगों ने खा लिया है, मम्मी पापा लोगों ने भी खा लिया है। और खाना बनाने के बाद मैं गई थी नीचे दुकान पर, दुकान भी हमने बढ़ा दी है और अभी हम आ गए हैं रूम पे। और ये है दुकान का सगड़, और अत्तु आ गया है हमको लेने यहाँ नीचे कमरे पे, है ना। तो काफी ठंडी लग रही है। ये दोनों लड़ाई करने लग गए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हमने आज की वीडियो बनाई थी, तो आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्या करना? शेयर, लाइक, कमेंट। हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट, है ना। और फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय, टेक केयर।